जानकारी मिलती है बच्चों को। सो इन तीन मुख्य आरोपियों को बता दूँ, पहला जो व्यक्ति है देवेश, वो जिम चलाता था जहाँ पर हमारे मृतक मिस्टर संजय जोशी आते जाते थे। तो और इसकी एक पुरानी रंजिश थी, कोई पारिवारिक रंजिश थी संजय जी के प्रति, तो इसने दिमाग में ठाना हुआ था कि मैं बदला लूँगा और इसको मारूँगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए इसने अपने बाकी दो साथी मनी उर्फ साहिल और सुनील, उनकी मदद ली। उनको इसने लालच दिया था कि जी बड़ा फाइनेंसर है संजय जी, इनको मारकर घर पे कैश या ज्वेलरी जो भी मिलेगी हम आपस में बांट लेंगे, तो फिर मेरा साथ। और इन तीनों ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक जो भूमिका बनाई इनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि इनका जो मृतक का जो फर्स्ट फ्लोर था वो खाली था और वो किराए पे चढ़ाना चाह रहे थे, तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट या किराए का मकान ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे। उनको बोला और संजय जी को बोलते हैं कि जी हम आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो किराए पे लेना चाहते हैं। तो इनफैक्ट एक आध बारी इनके घर भी गए, पूरे घर की रेकी करी और फिर फाइनली वेडनेसडे रात को यानी कि 28 अगस्त की रात को ये गए थे फाइनल नेगोशिएशन के लिए। तो तीनों व्यक्ति घर गए और मौका देखते इन्हें पहले उनका गला घोटा और फिर उनको चाकू मारा संजय जी को, और फिर जो पारो जोशी है उनका गला प्रेस की तार से उनका गला घोटा गया। कुछ बताया मुझे थी, जैसे मैंने बताया कि संजय जी के प्रति एक इसकी पर्सनल एनमिटी थी, एक पर्सनल रंजिश थी देवेश की, और इसने बाकी अपने दो साथियों को ये लालच दिया कि पैसे मिलेंगे और गहने मिलेंगे तो वो हम आपस में आधा दे बैठे। तो इसका जो मोटिव मेन था रंजिश भी थी और फिर लूट। एक ही जगह में दोनों को मारने की प्रयास किया, वो छूट के भाग गए जी। ये अभी रिमांड के दौरान ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, बट प्राइमल फसा है हमारा है कि पहले इन लोगों को ये क्योंकि संजय जी से ही मिलने गए थे तो ड्राइंग रूम में पहले मौका देखते संजय जी को मारा, और फिर शायद पारुल अपने कमरे में कुछ काम करने बिजी थी तो ये लोग गए और फिर वहाँ पर उनको पता ही नहीं चला कि संजय के साथ क्या हो रहा है। और आपने देखा भी है क्योंकि बॉडी बिल्डर्स हैं तो काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, तो तीनों व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति को ओवरपावर करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तीनों दोस्त हैं जी, देवेश जिम चलाता है और उस जिम में इसका साहिल उर्फ मनी का आना जाना था, तो इनकी थोड़ी बहुत बातचीत थी। और फिर ऊपर से जो तीसरा व्यक्ति है सुनील, वो साहिल उर्फ मनी का जानकार था, को नहीं जानते थे। देवेश मन्नी को जानता था और मन्नी आगे सुनील को जानता था। कुछ और लोग भी हो सकते हैं इनके साथ? नहीं जी, ये सिर्फ तीन व्यक्ति थे और किसी व्यक्ति की कोई संलिप्तता। फिर रिकवरी हुई इनसे? रिकवरी अभी जी कस्टडी लेकर हम इनसे जहाँ जहाँ इनने बोला है कि हमने फोन या कैमरे या फिर बाकी चीज़ें कहाँ छिपाई हैं कहाँ गिराई हैं तो हम रिकवर करेंगे। सीसीटीवी फुटेज जी, अभी हम सीसीटीवी कैमराज रिकवर कर नहीं पाए, रिकवरी हो जाएगी देन वी विल ट्राई टू रिकवर फुटेज। कौन सी और किस तरह ने राउंड अप किया गया जी? इतना सेंसेशन केस था, हमने मल्टीपल टीम्स बना ली थी। एक हमारी टेक्निकल टीम थी और जो फिर सीआई की टीम से पकड़ पकड़ के लिए, तो जो गवर्धन से हमने राउंड अप किया वो लगभग मतलब रातों रात हमारी टीम निकाली गई, और जैसे उनको क्लू मिला तो बंदे को राउंड अप करके फिर उसको अंबाला ले गया। तो अब ये लगा लीजिए 18 घंटे लगातार नॉन स्टॉप ओवरनाइट हमारी टीम्स ने वर्क किया। एंड एज फॉर दिस थर्ड पर्सन, जो तीसरा व्यक्ति है मनी उर्फ साहिल, इसको तो हमने एकदम बॉर्डर पर इंटरसेप्ट किया है, क्योंकि पता चल गया था हमें मुखबरों से कि ये बॉर्डर ये नेपाल की तरफ जाने की फिराक में है। तो ऑलमोस्ट ये यूपी बिहार हमारी गाड़ी रही, तो लगभग 60 घंटे लगातार गाड़ियाँ हमारी चली हैं और ओवरनाइट इसको इंटरसेप्ट करके पकड़ कर फिर हमारे पता कैसे लगा कि यही कातिल हैं जी? थोड़ी टेक्निकल सर्विलांस भी थी और कुछ मुखबर भी था हमारे, और साथ में क्योंकि एक व्यक्ति हमें ऑलरेडी अम्बाला से हमें शक था, तो उससे पूछताछ के दौरान भी हमें आइडिया लगा कि और दो व्यक्ति कौन होंगे।